मंडलायुक्त जयंत नलिकर ने नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झरना टोला मोहद्दीपुर बिछिया एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने आरआरसी टीमों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने इस आरआरसी टीम के डॉक्टरों व सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आरआरसी टीम अनिवार्य रूप से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों का विजिट करे। टीम के जाने से मरीज को मानसिक बल भी मिलता है और मरीज नियमित रूप से डॉक्टरों की निगरानी में भी रहते हैं। मंडलायुक्त ने मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि आरआरसी टीमों को वाहन एवं दवाओं आदि की नियमित उपलब्धता रहे, जिससे कि आरआरसी टीम होम आइसोलेशन के मरीजों की जांच करने के साथ ही दवा भी उपलब्ध कराए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडिशन CMO डॉक्टर नंद कुमार, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत ननिकल ने कहा, कौन है वो ऐसी आते में कितनी है सर? सर 32 थी और आज का सर एड हुआ है, कल पॉजिटिव आए हैं। लोगों को पता कैसे चलता? सर हमारा नंबर दिया गया है सर्टिफिकेट से, हमारे पास भी यहाँ पर थोड़ी जगह की वजह से, सर जगह की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पहले सैंपलिंग और वैक्सीनेशन यहीं पे होता है। वैक्सीनेशन शुरुआत में सर 45+ वाली जो है वो लोग आराम से आते हैं। वैक्सीन और आई है, किसी हेल्प नहीं आया ना हमारे साथ, वैक्सीन हमने और भी दी और मिल जाएंगे। कल रात भी आया तो प्रॉब्लम नहीं सर, वैक्सीन यहाँ पे कमी होती है सर, हमारे यहाँ दो सेंटर पे होता है। एंटीजन की कमी? हाँ सर, एंटीजन की कमी सर नहीं है, लेकिन जो भी आता है वो चाहता है हमारा एंटीजन जरूर। इनकी चिंता मत करिए, मुझे एक दो चीज़ें चाहिए। आरआरटी में कौन कौन जाता है सर? आरआरटी में सर हमारे पास इस समय 3 डॉक्टर है, मैंने अपने एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया। बहुत अच्छी है, आपके पास बहुत डॉक्टर सर? हमारा 2 एरिया है सर, डॉक्टर हम लोगों ने दिया है। उनके साथ हमारे जो आयुष होम्योपैथी के फार्मेसिस्ट हो जाते हैं। और सर आप एक लोग बताएं क्या करते हैं वहाँ जाते हैं? जैसे खाना अगर कोई दिक्कत हो तो अपना नंबर भी देते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप फोन करके पूछिएगा, कभी भी हम आपको बताएंगे। आप अपना नंबर देते हैं जी, क्योंकि पहले ट्रैक करते हैं। और आप पल्स ऑक्सीमीटर या थर्मामीटर कैरी नहीं करते? नहीं करते, वो लेके जाते हैं, उनका करके सैनिटाइज करके करवा लेते हैं सामने, और वो लोग रखे रहते हैं। और उन लोगों को प्रोत्साहन करिए कि थर्मामीटर वो लोग खुद भी ले सकते हैं? कुछ नहीं लेते हैं, जो नहीं लेते हैं उनको कहा जाता है कि ले लीजिए, और कुछ लोग पहले से ही ले लेते हैं। अब जो है किसी को भी लगा के हम तो एक दिन में गाड़ी लगा के दिलवा सकते हैं, लेकिन जब आप जाके देते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। पर्चा है इसमें डॉक्टर? अच्छा, ये चीफ ऑफ स्टाफ का ऑफिस भी है यहाँ? ये कौन सा है आपका? ये मोहद्दीपुर है हमारा। हाँ, हम लोगों ने रेंट। अच्छा, आपने रेंट? ये मोहद्दीपुर है, बताइए डॉक्टर साहब कितनी आरआरटी टीम बनी है? आरआरटी टीम में सर एक डिटेन है तो सर वो तो पॉजिटिव हो गया था सर, वो घर में है। वो क्या है सर? वो खजनी में आपके फार्मेसिस्ट हैं? दो डॉक्टर रहते हैं? तीन है सर।
आरआरटी की कौन कौन है आपके आरआरटी? एक ये है और एक ये डॉक्टर सीपी वाले लोग हमेशा से रहे हैं साथ में। एक और देखिए मैडम आपको समझना चाहिए आरआरटी का काम क्या है। एक आरआरटी टीम में एक डॉक्टर होना चाहिए और उसकी सहायता के लिए कोई हो जाए तो काम हो जाए। और एक आरआरटी टीम लगभग 20 घरों को तो जा ही सकती है कम से कम, और नगरी क्षेत्र में तो मैं परिवारों की बात करूंगा कम से कम 25-30 परिवारों को जा सकती है बड़े आराम। और उसके बाद उसको आके उसी दिन डेटा एंट्री कर देनी चाहिए। आपके पास 3 डॉक्टर हैं लेकिन मुझे लगता है साथ एक साथ घूम रहे हैं, उसका क्या फायदा? सर पर 45 कौन करता है पोर्टल एंट्री? पोर्टल सर ये करते हैं और हमारे जो आप लोग हैं वो करते हैं सर। जो आपके टोटल डॉक्टर कितने हैं? सर टोटल डॉक्टर सर सिर्फ एक जो है ऑटोमेटिस्ट है, बाकी सब लोग डॉक्टर ही है। क्या क्या बताते हैं लोग? ठीक ठीक बता दिया यार, एसडीओ सदर को बोल दिया पेशेंट का। ये दो हॉस्पिटल को डाउन लेते हैं, उनकी तबीयत पूछते हैं, उनकी मतलब वो ऑक्सीजन लेवल क्या है और मतलब कि उनके यहाँ रहने की क्या सुविधा है, रूम कितने हैं, सेपरेट हैं कि नहीं है, बाथरूम कैसे हैं, खाने पीने का कौन व्यवस्था उनका करता है, ये जो भी जितना उसके गाइडलाइन के अनुसार है सारी चीज़ें। बेसिक चीज़ वो दवाएं समझा दीजिए आपको जो है जो डाउनलोड कर दिए हैं कि नहीं किए दवाएँ समझा दीजिए सबसे जरूरी दवाएं मिल जाएँ कैसे खाना है ये समझा दें उनको। बताइए कोई चिंता करने की बात नहीं क्योंकि बहुत सीरियस है तो मैडम को बताइए जिससे कि उनको पता करके हम हॉस्पिटल में इंतजाम करें। दूसरा उनको ये देख लीजिए कि इम्यूनिटी में पैनिक होने से बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको जरूर अच्छे से समझा दें। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे आप लोग जितनी ऊर्जा से कर सकते हैं करिए। एक कड़ा सोच इस टाइप के डॉक्टर साहब जितने केंद्र हैं सड़क पर बोर्ड तो लगे कि दिखे लोगों को कि यहाँ व्यवस्था ऐसी सरकार ने की हुई है। उसमें अंदर कौन आता है? अच्छा डॉक्टर सचिन गुप्ता। चलिए बहुत अच्छी बात। तो कैसा चल रहा है डॉक्टर साहब यहाँ पर? ठीक है। और आप ये भी ये की सर मैं डॉक्टर शशि वर्मा हूँ, सिकरीगंज में बीआरआरटी में। आप यहाँ पर हैं सर? अभी 25 अप्रैल से इधर आ। आपको धूप लग रही होगी, साइट आ जाए। ठीक चल रहा है। इंडिपेंडेंसी कल 140 थी, एक बार और दे देते हैं मैडम अपनी गाड़ी। कभी एरिया बढ़ा है ये लोग जो पब्लिक आ रही है क्यों आ रही है? ये वैक्सीनेशन उन्होंने पहले से प्री रजिस्टर कराया जी। कुछ लोग प्री रजिस्टर होते हैं तो यहाँ कर देते हैं। ठीक है 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 कोई दिक्कत गाड़ी वाड़ी हुई आप उसके डर के बारे में नहीं है? तो काम कर रहा हूँ, सब वापस आ गए सर, सब सेट हो गए, सब बीमार हो गए। कितनी आज सुबह है डॉक्टर? 12 बजे। 12 बजे टीम दो हैं आप? तीन टीम है, एक आपकी है, बाकी दो कहाँ? आपके यहाँ पर आ रहे हैं।
तो वो सीधे वहीं जाके सैंपल टेस्ट कर सकते हैं, आपके आने की जरूरत नहीं। जी सर, तो भीड़ भी सर भीड़ हो जाएगी, मैक्सिमेशन यहाँ करने की। तो आप एक यदि हमें लिस्ट बना के दे दें अर्बन पी एस सी वाइज या जितनी आपकी पी एस सी हैं जिनका जहाँ सैंपल टेस्टिंग हो रहा है और वैक्सीनेशन जहाँ हो रहा है, यदि वैक्सीनेशन वहीं पर हो रहा है तो वहीं पर लिख के एक लिस्ट बना के दे देंगे तो हम निकलवा देंगे लिस्ट। तो बल्कि हम लोगों ने दिया है लेकिन हम न्यूज़पेपर में निकाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। काफ़ी साफ केंद्रों का निरीक्षण किया गया, क्या कहता है? देखिए कि अर्बन पीएससी हैं, ये हमारी इस समय बैकबोन है पूरे सिस्टम की, और जैसा कि पहले भी देखा जा चुका है गोरखपुर जनपद में जो हमारा नगर निगम का एरिया है वहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ट्रेड और कॉमर्स और हर चीज़ का हब, टूरिज़्म का हब है गोरखपुर, और इसलिए संक्रमण की जो गति है वो बड़ी तीव्र है अर्बन एरिया में, और इसलिए इस तीव्र गति को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि ये जो हमारी अर्बन पीएससी हैं ये बहुत स्ट्रेंथन हों, ये अपने काम को समझें, इनकी मैन पावर को हम ऑप्टिमम यूज़ करें, और यही चीज़ें हम लोग ने देखने का चार पाँच अर्बन पीएससी भ्रमण करके प्रयास किया है, और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि टीम पूरी लगन से और पूरी मेहनत से काम कर रही है। जो भी दवाएँ दी गई हैं स्वास्थ्य विभाग की, उसके साथ साथ जिला प्रशासन ने आयुष की भी मेडिसिन को मिला के जो किट तैयार की है वो बहुत अच्छा है, 6 से 7 दिन की दवा एक बार में दी जा रही है, और आरआरटी भ्रमण कर रही है। थोड़ा सा जो डाटा एंट्री का काम है उसमें थोड़ा विलंब हुआ है, उसको हम और ठीक करेंगे जिससे कि हमारी रिपोर्टिंग भी उत्तम हो। सर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपल टेस्टिंग की क्या बात है? देखिए सैंपल टेस्टिंग जो है हर पीएससी में हो रहा है, क्योंकि अर्बन पीएससी में थोड़ा अंदर जगह होता कम होता है, तो उन्होंने किसी ना किसी स्कूल में अपने को टैग कर रखा है, और हम सैंपल टेस्टिंग इस समय गोरखपुर जनपद में लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में प्रतिदिन कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ संख्यात्मक नहीं है, स्मार्ट सैम्पलिंग होनी चाहिए, और उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि हम सही संक्रमितों की पहचान कर सकें।